समस्या आई उसका समाधान किया। लेकिन एक होता है ऐसा महान परिवर्तन जहां सृष्टि की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाती है। तो हम सब वो परमात्मा के फरिश्ते हैं। आज सुबह भी हमने देखा कि कलयुगी दुनिया में रहते हुए सत्युगी संस्कार, सत्युगी संस्कृति और सत्युगी संसार का निर्माण करने के लिए परमात्मा ने हमें चुनकर यहाँ बुलाया है। यहाँ आना श्रेष्ठ कर्मों का फल होता है कि अपने लिए हमने समय निकाला, और यहाँ जाने के बाद श्रेष्ठ कर्मों का खाता फिर से शुरू होता है। श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप हम यहाँ आते हैं और यहाँ से श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सीखकर सिर्फ अपना भाग्य नहीं लेकिन देश और विश्व का भाग्य परिवर्तन करने वाले कर्म जो होते हैं वो तो यहाँ से हम सीख कर जा रहे हैं। हम सुबह सबने पक्का किया कि सत्यु की सृष्टि बनाने के लिए हम सब तैयार हैं। एक बार दादी जी के सामने भी हाथ उठा लें तो दुआएं भी बढ़ जाएंगे। सत्यु की सृष्टि बनाने के लिए, सत्यु की संस्कार अपने बनाने के लिए हम सब तैयार हैं। हाँ जी कहेंगे दादी जी को? हाँ जी तैयार हैं। समाधान यहीं से शुरू होगा क्योंकि कोई भी समाधान बाहर नहीं आंतरिक स्थिति से होता है। जैसे ही हमारी आंतरिक स्थिति परिवर्तन होती है हम जो करते हैं वो बदलना शुरू हो जाता है। जब तक हम आंतरिक स्थिति को नहीं बदलते और बाहर बदलने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे, हम इस तरह से बात करेंगे, हम इस तरह से नहीं बोलेंगे, हम इन शब्दों से लिखेंगे, दूसरे शब्दों का हम उपयोग नहीं करेंगे, तो थोड़े टाइम रहता है, थोड़ी देर के बाद वो फिर से चेंज हम वापस हो जाते हैं। हम सब ने परिवर्तन की कोशिश की है लेकिन हम सब ये फील करते हैं कि दो दिन, चार दिन, दो दिन, दो महीने, उसके बाद हम वापस पुराने संस्कारों की तरफ चले जाते हैं। लगता है ऐसे या नहीं लगता? तो समाधान ये चाहिए कि जो हम यहाँ पक्का करने वाले हैं और जो हम दृढ़ता से यहाँ संकल्प कर रहे हैं उसको हमें अपने कर्मों में लेकर आना है। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। आप मानते हैं इस बात को कि कर्मों से भाग्य बनता है? यस? ये तो नहीं सोचते कि हमारा भाग्य परमात्मा दिख रहे हैं, क्योंकि जब भी जीवन में कोई बात आती है तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमात्मा ने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। तो हमारे कर्मों से हमारा भाग्य बनता है और हमारे कर्मों का प्रभाव कितनी आत्माओं पर पड़ रहा है उससे हमारा भाग्य बनता जाता है। तो मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कार्मिक अकाउंट बहुत तीव्र गति से, क्योंकि आपका कार्मिक कनेक्शन एक के साथ नहीं होता है, लाखों करोड़ों के साथ होता है। आप अगर एक ऐसा शब्द लिखते हैं जिससे लाखों लोगों की आत्मिक स्थिति ऊपर की तरफ बढ़ती है वो सारी दुआएं आपके पास चली जाएंगी। लेकिन अगर हम एक ऐसा शब्द लिखते हैं जिससे लाखों की स्थिति थोड़ी सी नीचे आ गई तो वो वाइब्रेशन भी हमारे पास आएगी। लिखनी हमने वही बात है जो देश में हुई है लेकिन लिखने का तरीका, सुनाने का तरीका, भाषा, शब्दों का उपयोग और हमारी स्थिति के वाइब्रेशन, ये हमारा कर्म है। जो हमारा प्रोफेशन है उसमें हमारी वाइब्रेशन कौन सी जाने वाली है वो हमारा कर्म है और हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। आज जब हम देखते हैं कि लोग कहते हैं मेरा मन सोचना ही बंद नहीं करता है, कहते पता नहीं मेरे को नेगेटिव थॉट्स इतनी क्यों आती रहती है, तो हम सब उनको एक ही रीजन बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा मीडिया सुन पढ़ देख रहे हैं।
और हम उनसे कि अगर आप अपने मन की स्थिति को संभालना चाहते हो मीडिया से कंज्यूम करना कम कर दो, लेकिन हम ये कहना नहीं चाहेंगे अगर मीडिया उनको ऐसी खुराक देना शुरू कर दे जिससे उनकी मन की स्थिति शक्तिशाली हो, तो हम उनको कहेंगे मीडिया से और ज्यादा सुनो और करो और देखें। लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चों की मन की स्थिति इतनी हिल रही है कि उनको एंजाइटी और डिप्रेशन और पैनिक अटैक हो रहा है, तो हमें उनको कहना पड़ेगा कि आप फोन, टीवी और इंटरनेट से जो ले रहे हो उसको बंद करो, क्योंकि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो ही हम बनते हैं। ये एक लॉ है कि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं उसी से हमारी सोच बनती है। और इसीलिए जिनको अपनी सोच की क्वालिटी को चेंज करना है उनको अपने कंटेंट को चेंज करना पड़ता है, और फिर जो सारा दिन वो कंटेंट सबको दे रहे हैं उनकी सोच पर कितना असर पड़ता होगा। तो यहां से जब हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर जाएंगे तो आपको अपने रोल में कुछ चेंज लाना नहीं पड़ेगा, आपके रोल में चेंज अपने आप आना शुरू हो जाएगा। जब भी हम मीडिया के भाई बहनों से कहते हैं कि आप लोग कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाते, देश में इतनी सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, तो फिर आपकी मजबूरी का हो या जो भी रीजन आप देते हैं, नहीं उसकी ज्यादा व्यूअरशिप नहीं होती है। राइट बात है। आज अगर एक टेबल पर स्प्राउट्स पड़े हो, फल पड़े हो और दूसरी तरफ पर चाट पापड़ी पकौड़े पड़े हो, तो लोग किस तरफ जाएंगे? क्योंकि समाज टेस्टी की तरफ जा रहा है, हेल्थ की तरफ नहीं जा रहा है। तो मीडिया भी कंटेंट हेल्दी की बजाय टेस्टी परोसना शुरू कर दिया, चटपटा क्या है, इसको ज्यादा लोग मिलेंगे। लेकिन ये करते करते हमें बस सिर्फ ये पता होना चाहिए, आगे चॉइस हमारी है कि हमने क्या खिलाना है, लेकिन उस प्रोफेशन से हम धन कमाते हैं, वो धन हमारे परिवार की पालना करता है, उस धन से हमारे घर का अन्न खरीदा जाता है, उस अन्न का असर परिवार के मन पर होता है और मन का असर तन पर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी जो घर के अंदर होती है वो होती है धन। लेकिन धन मतलब कितना धन नहीं, कैसा कमाया हुआ धन। अगर वो धन किसी को दुख और दर्द देकर आता है उस धन के साथ भी वो वाइब्रेशन आ जाती है, लेकिन अगर वो धन किसी को सुख और शक्ति देकर आता है तो उसके साथ दुआओं की एनर्जी आ जाती है। तो हो सकता है कि अगर हम कुछ बहुत पॉजिटिव बनाते हैं या कोई समाचार को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से लिखते हैं, बात वही होगी लेकिन लिखने का तरीका अगर अलग होगा, हो सकता है कि उसपे व्यूअर्स थोड़े कम हो, लेकिन थोड़े कम व्यूअर्स में भी आपके घर दुआएं ज्यादा आ रही है। और कोऑर्डिनेटर्स और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने वाले सभी मीडिया मनीषी दिशा देने के लिए आओ, सत्यता की अलग जगाएं। तो मैं मंच को आमंत्रण कर रही हूँ, साथ साथ हमारे सभा में बैठे निरंजय भाई जी, वाइस चेयरपर्सन मीडिया में आप भी आए, शांतनु भाई, आनंद प्रकाश भाई, सुशांत भाई, निकुंज भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर, मैंने एक शब्द कहा था वाइस चेयरपर्सन और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को बनाएंगे, बाकी सब स्पीकर्स जोनल कोऑर्डिनेटर्स नीचे ही रहेंगे, कोमल भाई भी ऊपर रहेंगे, सरदार आपको ऊपर आए, चंदा भाई भी ऊपर रहेंगे। आप सब आए और कैंडल लाइटिंग प्रज्वलित हो रही है, आप सब तालियों के माध्यम से अपना साथ दीजिए। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख भी सुख
सुख तन कर दे, शुभ संकल्प पे दीप जलाए। बड़ी सोच थी, बड़ी उम्र थी, इसलिए पत्रकार बनकर आए थे।
तो मैं कहता था पत्रकारों के बारे में कि हम नहीं चेतना की धारा, हम अभी जा रहे हैं उजियारा, हम उस बयान के झोंके हैं जो हर ले जगता दुख सारा। हमने ये भी कहा कि हम आईना है दिखाएंगे रात चेहरों के, इसे खराब लगे सामने से रख जाए। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल उल्टी हुई है, आज दाग हमारे चेहरे पर लगे हैं, लगाए जा रहे हैं। जब कोविड काल आया, दो साल तक अंदर रहा, वहां पर उनका सर पर आ गया, उनके सामने चौंकी थी अपने जीवन यापन की। तो पत्रकारों ने उसने यूट्यूब चैनल शुरू किए, उसने न्यूज पोर्टल शुरू किए, उस समय उत्पन्न हुए, क्योंकि अभी शामिल हुए। मैंने उनके साथ साथ मैंने पुस्तक लेखन का काम शुरू किया, चुनौती का सामना किया मैंने, तो कुछ होने लगा है, आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। पर एक सोचा की तरह चुनौती मुंह फैलाए खड़ी हुई है। इस चुनौती का सामना हम सब परिवार मिलकर, अगर हमारे साथ परिवार है तो वो हम सामना कर सकते हैं। वरना नोएडा में अभी दो दिन पहले भी टावर गिराया गया, लोगों ने गड़ बजे ताकि बजाए तो बजा देते हैं। आध्यात्मिक शक्ति हमें रास्ता दिखाया माननीय सूर्य जी ने, एक बहुत शक्ति हमको चुनौती का सामना करने में हमको बहुत बड़ी सहायता देती है। मित्रों में आग्रह चाह रहा हूँ, जो 5000 वर्ष पहले अग्रवंता यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी बहन चलाने आए थे, हम उनसे चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा ले सकते हैं। ये हमने पैदा हुए कल सुबह माने जाने का भय था, गोकुल में तमाम राक्षसों ने उनको भयभीत किया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया, इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने की चुनौती थी उनके सामने, महाभारत में पांडवों को विजय दिलाने की चुनौती थी, अर्जुन को निराशा के सागर से बाहर निकालने की चुनौती थी, द्वारका के ब्रह्मांड की चुनौती थी, द्रौपदी की लाज बचाने की चुनौती स्वीकारी उठाने में उन्होंने किए। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हमारे क्रांतिकारियों ने चुनौती स्वीकार के अंग्रेजों की और देश को अलग के रहे। काकोरी कांड के महानायक अश्वपुरा का 27 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। उन्होंने लिखा, चुनौती का सामना करने के लिए शेर हम सबको आज यहाँ से घर जाना चाहिए। अपने तो लिखते हैं, सीखा है जना हमने लड़ने का यह तरीका, चलवाओ दृष्टि में हम सीना अड़ा देंगे, दिलवाओ हमें फांसी, ऐलान से कहते हैं खून से हम शहीदों की फौज बना देंगे। जब ऐसा जज्बा हमारे अंदर होगा तो हम चुनौती का सामना कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। और यह काम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। आपने मुझे सुना और भूटी नहीं, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। और मुझे अंत में कहना है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे इतनी दिली खुशी है, शेर में याद आता है, मुझे अगर इष्ट का अरमान होता, है मुझे अगर इष्ट का अरमान होता, मेरे घर वीर का दीवान होता, तेरी महफिल का के सोचता हूँ ना था तो बहुत नुकसान होता। बहुत धन्यवाद। दादाजी ईश्वर के सौगात प्रदान करेंगे। डॉक्टर डी श्रीनिवास जी,
हाँ बेटी हमारी है परमात्मा के दर्शन है। हाँ सबको सब इनको याद करते हैं, निराकार निरकारी निरंकारी है, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है। हाँ इनको अपने अपने मतलब के जैसे याद करते हैं, गुरु नानक जी है बोला एक ओंकार, ठीक है भाई इनको याद किया। और देखो बुद्ध बैठे महात्मा बुद्ध बैठे हैं ना, वो भी इनको याद करते हैं। और क्राइस्ट ये भी इनको याद करते हैं, गॉड इज द फादर। और ये आए थे 550 साल पहले, बाद ये 2000 साल पहले इनके सामने पहले हुए। और ये मुसलमान अल्लाह बोलते हैं, अपना मक्का मक्का चूमते हैं, इनको भी यही इनको याद करते हैं ना। हाँ। जैसे देखो अंधों की लाठी, जैसे जी प्रभु को याद करते हैं तो कोई निबंध बन जाता है इनका। और ये इनके नैया पाठ लगा दो प्रभु प्रभु को याद करते हैं, ये कांटों से फूल बनते हैं, कांटों से फूल बनना। और लक्ष्मी जहाँ से लक्ष्मी नारायण श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनते हैं। हाँ। और जहाँ से ये 5 सिक्के बताए हैं ना, ये 5 सिक्के हमारे विकार है, विकार है, इनको मिटाना है प्रभु की याद से, इनको मिटाना है। और ये बच्चे की जन्म बताया है, एक ऋषि होता है उनके घर में ये लड़का पैदा होता है। और इनको ना इनको आकाशवाणी होती है ऊपर से उनको माता पिता को कि इसकी आयु 12 वर्ष है, लेकिन 12 वर्ष है वो फिर क्या करते हैं मंदिर में छोड़ जाते हैं, जहाँ बचपन से ही भक्ति करनी शुरू कर देता है। वो जब 12 वर्ष पूरे होते हैं तो वो जब राज लेने आता है, जब राज लेने आता तो ये भगवान को जकड़ के बैठ जाता, पकड़ के बैठ जाता कि प्रभु मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और फिर ये देखो भक्ति भाव ने भी उन्होंने अपनी आयु बढ़ा ली, 20 वर्ष हो गए। जी जी ठीक है ना, ये बताया जहाँ पे। और जहाँ पे ये बताया ये ज्योत जला रहे हैं, जितना घी इसमें डालोगे उतना जलती रहेगी, जब ये घी खत्म हो जाएगा तो बड़ी हो जाएगी। और बाबा ने क्या कहा है, बाबा कहते हैं अपने अंदर की ज्योत जलाओ जो सदा चलती रहेगी। ठीक है, ये तो कि ना लौकिक है ना, अलौकिक ज्योत जलाओ अपने। तो आप जो बोल गए उसका एक लिटरेचर होगा, अरे जो बोल गए उसका लिटरेचर कौन सी पुस्तक होगी, यहाँ पे बताया। और मैं फोन में बोल कर कर दे, फोन में लिटरेचर की पुस्तक नहीं है, लिटरेचर भी है मैं तो क्लीचर खिला दो। हाँ मैं बोल गया आप द्वारा तो ये बताया देखो परम धाम अपने को शांति धाम जो मूल धाम देते हैं थोड़ा सा शांति धाम। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये हमारा जीव लोग है, जीव लोग है जैसे जन्म होता है बड़े होते के और जीव कि ना बताया सतयुग त्रेता द्वापर बीच में आ गया संगम। जी जी कोड नंबर होगा, कोड नंबर होगा। और ये कल वृक्ष बताया कि जैसे जैसे आत्मा जाती जाए जाती जाए ये लड़ाई लड़ाई ना जाए भाव तक की लड़ाई है। उसके बाद ये कि ना वृक्ष कोई डाटा पांच इंद्रियां हमारी जैसे मतलब कि हम सोचेंगे जैसे मन बुद्धि संस्कार जैसे आप अपनी बुद्धि को चलाओगे वैसे ही चलेगी, तब भी लगाम आपके हाथ में, जे दूसरी पास रहेंगे तब ही आपके हाथ में वो लगाम। और ये बताया जहाँ बताया जैसे इज्जत बोली जाती है मतलब कि धरती को ही बताया सारा। और ये बताया जहाँ जैसे मृत्यु रहती है बाद में उसका मनुष्य में जन्म होता है, क्योंकि हमारे 84 जन्म है हमारे आगे ना किसी और में कहीं नहीं आएंगे हमारे जन्म। मानो भी बनेगा मनुष्य में आएंगे हम लोग कहते हैं ना गाय भगवान ने हमें सब बता दिया। और जहाँ से देखो ये पंछी है ना पंछी पिंजरे के अंदर है, जैसे आत्मा हमें कोई अंदर बंद करते हैं हम बड़ा बताते हैं ना बाहर नहीं,
वैसे ही ना पंछी उड़ता है जब निकलता बात उठता है आकाश में उठता तो सुकून हाँ। हमें हमें कोई निकालेगा तो हमें सुकून मिलेगा ना। हाँ जी हाँ जी बताया कर्म दर्शन और जब भाई अपना भविष्य कहना मेरा भविष्य बताओ क्या है जैसे जहाँ पे ये बताया जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा जो बुरा कर्म करोगे। हाँ ये बताया जहाँ पे जहाँ पे कि ना बताया डॉक्टर का इलाज करनी है और जहाँ पे डॉक्टर कर रहे हैं जहाँ इलाज करती है और जहाँ पे चोर चकारी करता भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई और यहाँ पे चार बच्चे बताए हैं आप खेल हो रहे हैं और दो का झगड़ा हो जाता है झगड़ा हो जाता है एक को चोट लग जाती है और एक भाई ब्लड लेने आता कि मेरे को हिंदू का ब्लड चाहिए बोलते हैं पहचानो तो नहीं जो ब्लड तो एक जहाँ सो यहाँ पे जब बच्चे बताए हैं जब बच्चों का जन्म होता है वो आपके बच्चा नर्स को बोलता है भाई नर्स मेरा बच्चा दे दो तो बच्चों के जन्म हुए हैं एक जैसे हैं तो नर्स भी कहती है कि आप पहचानो तो ले जाओ भाई ठीक है। जहाँ पे ये बताया है जहाँ पे देखो मैं बारिश में बरसात में जाते हैं अपने छापा लेके सारा इंतजाम करते हैं बताया कि उसने भी लगाया हिंदू है और पेड़ की शाम पानी लगा एक तेल का कि नहीं मैंने लगाया तो मैंने करना तो मूल तो हम सब एक हैं कुल मिला के हाँ। ये मतलब समझ नहीं है ना। और राजे भी योग में बैठे हैं काम जा रहा है भगवान की भक्ति भक्ति जा रही है तो इसमें भी ये उन्होंने बैठा तो योग भी है पर इनकी भी पूरी तरह बाबा से भगवान से नहीं जुड़ी ना तान नहीं जुड़ी और जहाँ पे तो जा रहती है कभी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपता रहता है क्योंकि माइंड में घूमता रहता है ना। और जहाँ पे जब इस भाई का योग भी उसको सीधा परमात्मा से लगा जिसका योग परमात्मा से लग गया ना उसके उसके कोई भी नियमत बन जाता सभी काम तो वो कैसे मालूम पड़ेगा हमारा जो लग गया परमात्मा से हमारा जब आप आस्ते आस्ते अमृत वेले में उठोगे ना हाँ। सुबह 4 बजे हाँ। बाबा को याद करोगे बाबा को अपनी जो भी समस्याएं हैं आपको बाबा की जोड़ी में डाल दो देखो अपना आप कैसे आपका काम हाँ। अनुभव करो ना जो अनुभव करने की बात है जैसा कर्म मतलब कि जे ऐसा कर्म करो कि जैसे देव हो कि ना देवता हो भगवान को याद करोगे तो तभी देव दर्शन जो समय चला जैसे समा समा बीतेगा तो समा तो चलता ही रहेगा क्योंकि समा तो नहीं ना रुकेगा जो तीर और बाण बताया ये कहते तीर निकल जाए तो वापस नहीं आता जैसे मुख से कोई बात ऐसी वापस नहीं आता है जब से बताया दो तीन के घर में सब कुछ लाई गया सब वो फिर उसके जिसके घर में सब कुछ था वो कुस्तार है और इतनी बड़ी डिग्री लेके आती है फिर भी गिटनी एक दूसरे के गिटनी को बदल देते हैं ऐसे तो ये है जो भारत को खत्म करने का और देखो घर में सब कुछ होते भी पैसा भी होता है तभी उनको सुकून शांति नहीं शांति नहीं है और फिर बाहर आता है फिर गाड़ियों की शोर हो तब उसको शांति नहीं है और देखो आपस में घर में बैठे मूवी देखते हैं और एक दूसरे को ये भी शांति है ना पैसा जितना मर्जी हो शांति तो नहीं मिलती ना है हमारे पास है ना
सब्जी सब्जियाँ खुद उगाई जाती है या बाजार से आती है? सब्जी बाजार से भी आती है, अपने यहाँ खेती भी है, खेती से भी आती है, बाजार से भी आती है। यहाँ हाथ से मैंने माताएं काटती है और फिर मशीन से काटती है। एक मशीन 1000 किलो एक घंटे में सब्जी काटती है, उसके साइज से भी मेज करते हैं। काटने की मशीन है, अच्छा। इसमें ग्रीन सब्जी भी काटते हैं, दूसरी सब्जी भी काटते हैं और इसके साँचे हैं, ये साँचे चेंज करते हैं, जैसे साइज चाहिए वैसे साइज चेंज करते हैं। ये सब सब्जी और ये सब्जी भी काटने की मशीन है। जो आलू होता है बटाटा, वो आलू ऊपर से डाल दिया तो छिलका उतार के बाजू में जाता है, आलू धुलाई होकर इधर आता है। ये सब्जी धोने की मशीन है। बाकी आगे किचन में भोजन बनता है, उस साइड में कढ़ाइया है, भोजन बनता है और इसमें सब्जी धुलाई, सब्जी धुलाई का मशीन, काटने का मशीन और ये भी आलू छिलने का मशीन, यही सब आदमी और साथी से दिख रहे हैं। ऊपर है, ऊपर जो है वो ढक्कन है, वो ढक्कन को ओपन करते हैं, एक्स्ट्रा से ऊपर जाता है, वो चिमनी है धुआं ऊपर जाने के लिए। और ये कुकर में 100 kg दाल चावल 15 मिनट में उबल जाता है। ऐसे दो लाइन में कुकर है, ये फिर पूरी लाइन है, वो पूरी लाइन है। और ये ढोकड़ी जैसे है, उसमें ढोकला और इडली बनता है 15-15 मिनट में। यहाँ लोहे से बना है, 1 साल में हुआ है, नीचे पूरा किचन, ऊपर पूरा रोटी डिपार्टमेंट, 30,000 रोटी 1 घंटे में तैयार होती है और उसके ऊपर में ब्रेड बिस्किट आइसक्रीम तैयार होता है और जितना चाहिए जब चाहिए वो उसी समय बनाते हैं। यहाँ से बाहर में कुछ भी नहीं करते। अब जो आप किचन देख रहे हैं, ये कुकर में 100 kg दाल चावल 15 मिनट में हो जाता है। ये सारे कुकर और कुकर में डायरेक्ट स्टीम आती है और स्टीम से बनता है। और जो ढक्कन देखा उसको स्टीम ऊपर जाने के लिए ऊपर चिमनी लगी, एडजस्ट फैन जहाँ से धुआं ऊपर जाता है। बैठे दो मार्ग रहता है ऊपर जाने का, एक सीढ़ी और एक लिफ्ट। ऐसे भगवान के पास जाने का दो मार्ग रहता है। सीढ़ी माना भक्ति मार्ग स्टेप बाय स्टेप, ज्ञान मार्ग माना साइंस का मार्ग। यहाँ केवल बटन दबाओ अपने पेट का पानी नहीं, आराम से ऊपर जाते हैं। भगवान के पास जाने का सीधा और सही रास्ता लिफ्ट का रास्ता, घंटों का काम मिनटों में होता है। ये रोटी डिपार्टमेंट इधर तैयार होती है। ये आटा ऊपर डालते हैं, मशीन तोड़ती है, बेलती है, सूखा आटा लगाती है, गोल करती है और गोल करती है और सेक करके फूल करके नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद रोटी कच्ची भी नहीं रहती और जलती भी नहीं है और ऐसे भारत का नक्शा भी नहीं होता है। भारत का नक्शा बन रही है।
कोकी को मीठी कोकी बोलते हैं, वो स्वीट होती है, वो साथ में ले जाने के लिए या भोग के लिए बनाई जाती है। आटा बांधने का मशीन है, आटा बांध के कोकी बेल के उधर से बेल के आती है। ये तावे हैं सेकने की, इसमें सेकते हैं और रोटी भी इसमें सेकते हैं जो हाथ से बनती है। माताएं बहने 500 माताएं बहने 1500 रोटी 15000 रोटी एक घंटे में तैयार करती है। तैयार करने के बाद में लाते हैं सेकते हैं रोटी। रोटी सेकने के बाद जाली है, जाली में रोटी फुलाते हैं और फिर हॉटकेस में तेल लगा के हॉटकेस में रख देते हैं। तो 15000 रोटी हाथ से बनाई जाती है और 15000 रोटी मशीन से बनते हैं। मशीन में आटा डालते हैं, रोटी फुलती नीचे आती है। दोनों रोटी में क्या अंतर होता है, मशीन में हाथ की में? नहीं, दोनों जल्दी हो जाता है, एक साथ होता है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा संख्या रहती है, इसलिए दोनों कार्य चलता रहता है। हाथ से भी बनाते हैं, मशीन से भी बनाते हैं, एक चीज़ से कम पड़ जाती है। अच्छा। इसलिए दोनों कार्य साथ साथ चलता है। 30000 रोटी एक घंटे में तैयार होती है, 200 केजी आटा 10 मिनट में तैयार होता है और ये सेवा करने वाले सब सेवक है, सब सेवाधारी है, यहाँ एक भी व्यक्ति सैलरी पे नहीं है। फ्री आप चार सेवाएं करते हैं और सब राजयोगा का अभ्यास करते हैं, संस्था के रेगुलर स्टूडेंट है, उसी को यहाँ सेवा के लिए अलाउ किया जाता है। अच्छा। बिना जो स्टूडेंट नहीं है उसको सेवा के लिए नहीं। बाहर के व्यक्ति सेवा करना चाहे तो? हाँ, वो सेंटर से जुड़े हुए रहते हैं और जुड़ करके कम से कम एक साल का स्टूडेंट होता है। हाँ। उसी को बहने, ब्रह्मा कुमारी जो बहने वो लेटर देती है, उस लेटर लेकर के वो सेवा के लिए यहाँ। तो बिना संस्था का स्टूडेंट इधर सेवा में नहीं आते। जिसके पास समय होता है ऐसे लोग सेवा के लिए आते। गूंधने की मशीन है ये, शांति। अभी हम आए हैं रोटी डिपार्टमेंट पे, जहाँ रोटियाँ बनी जाती है। यहाँ सबसे पहले आटा पीसा जाता है। आटा पीसने की आटा चक्की अपनी उस साइड में डाइनिंग के बाजू में है, आटा पीस के बोरी में आता है। ये बोरियाँ रखी हुई यहाँ पे, बोरी में आटा लेके आते हैं। फिर आटा छनने की मशीन है, इसमें आटा छना जाता है। छनने के बाद में ये मशीन है, इसमें आटा गूंदा जाता है। चार मशीन में 200 केजी आटा 10 मिनट में तैयार होता है। आटा तैयार होने के बाद जो बहने माताएं हैं यहाँ बेल की रोटी बनाती है। 15000 रोटी एक घंटे में 500 माताएं बैठ के बेलती हैं। बेलने के बाद में रोटी उधर तावे पर सेकी जाती है। तो 15000 रोटी हाथ से बनाई जाती है और 15000 मशीन से, क्योंकि संख्या 25000 30000 20000 लोग आते हैं तो हाथ से भी नहीं होता है, मशीन से भी नहीं होता है। दोनों कार्य जल्दी होने के लिए दोनों कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर हर समय कितने लोग रहते हैं? जैसे हर 15 दिन में चेंज होते हैं। कॉन्फ्रेंस होती है तो 2000 4000 5000 होते हैं और प्रभु मिलन का कार्यक्रम होता है तो 20000 25000 25000 लोग यहाँ पर एट टाइम आते रहते हैं। कंटिन्यू कार्यक्रम चलता है। जानकारी देता हूं पहले, यहां पे अभी आप वीडियो बना सकते हैं दीदी, स्वर्ग का चित्र, इसकी भी जानकारी देता हूं और किचन की भी जानकारी डिटेल में यहां खड़े खड़े देता हूं और पूरी कॉम्प्लेक्स की भी जानकारी आपको देता हूं। तो आपके वीडियो बनेंगे, ओम शांति जी। 5 मिनट में ये पूरे कॉम्प्लेक्स की जानकारी देता हूं और 5 मिनट में किचन की जानकारी देता हूं, ये दोनों जानकारी एक साथ देता हूं। और ये स्वर्ग का चित्र है, इसकी भी जानकारी देता हूं। ओके, ओम शांति। या जो भी कार्य है ओम शांति बोल के स्टार्ट करते हैं। ओम मना आत्मा शांति मना धर्म। सभी के शरीर में एक शक्ति है, उसको यहाँ आत्मा बोलते हैं, अपन उसको जीव या प्राण बोलते हैं और साइंस उसको ओरा बोलती है। आत्मा का धर्म शांति है और शांति के लिए लोग बाहर जाते हैं। आप भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। शांति के लिए बाहर जाते हैं तो थोड़ी शांति मिलती है, घर जाने के बाद वही हाल होता है जो पहले था। यहाँ आते हैं, यहाँ बुलाते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं, अंतर जगत की यात्रा कराते हैं, आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। इसलिए इस पूरे परिसर का नाम है शांतिवन। ये शांतिवन परिसर 90 एकड़ का परिसर है, 56 डिपार्टमेंट है और 1500 लोग सेवा के लिए फुल टाइम समर्पित रूप से अपनी अपनी सेवा यहाँ पर देते हैं। यहाँ अक्टूबर से मार्च
हर 15 दिन में 25,000 भाई बहने सारी दुनिया से भगवान को मिलने के लिए आते हैं। भगवान को मिलने का हॉल है डायमंड जुबली हॉल, जिसमें 500 फीट लंबा है, 250 फीट चौड़ा है, 70 फीट ऊंचा है, 6 मास में तैयार हुआ है। 25,000 लोग एक साथ बैठते हैं और 25 भाषाओं का ट्रांसलेशन एक साथ होता है। एशिया खंड में सबसे बड़ा और सबसे पहला हॉल है डायमंड जुबली हॉल। 25,000 भाई बहनों को रहने की सुविधा यहाँ पे है। 25,000 लोगों के लिए भोजन 1 घंटे में बनता है, वो किचन आपने नीचे देख लिया। 25,000 लोगों के लिए भोजन 1 घंटे में तैयार होता है। 25 साल पहले बना हुआ भारत का पहला सोलर है, यहाँ भी छत पे जाएंगे, वहां से दिखाएंगे। स्टीम तैयार होता है और स्टीम से भोजन तैयार होता है। ये स्टीम केवल स्टीम तैयार होती है, बिजली नहीं। तो बिजली का सोलर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे दुनिया का पहला 24 घंटे में 24 मेगावाट बिजली तैयार करता है। सूरज से शक्ति लेकर के सोलर बनाया। ऐसे भगवान को बोलते हैं 1000 सूर्य से तेज है, उसकी किरण लेने के लिए हमें ओपन जगह पे जाना पड़ता है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस, तब हम सुप्रीम सोल की किरणें लेकर के अनेक जन्मों के पाप नष्ट करते हैं, अनेक जन्मों का पुण्य जमा कर सकते हैं। इतनी शक्ति भगवान से हम सब ले सकते हैं, उसकी विधि यहाँ सिखाई जाती है, उसको बोलते हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स, ध्यान योग साधना तपस्या। इसलिए यहाँ का स्लोगन है करो तपस्या मिटे समस्या। तपस्या करने से हमारी जीवन की समस्या मिटती है। अभी ये चित्र आपको दिखाते हैं। ऐसे तो फैक्ट्रियां बहुत है यहाँ पे, रोड के नीचे वाले का कारखाना, कंस्ट्रक्शन किट का कारखाना, कूलर सोफा सेट दरवाजे खिड़की अलमारी टेबल साबुन वॉशिंग पाउडर ब्रेड बिस्किट आइसक्रीम ये सब तैयार होता है। और जितना माल चाहिए उतना ही तैयार करते हैं, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाता है। यहाँ सबसे बड़ी फैक्ट्री है मनुष्य से देवी देवता बनना। अब कैसे बनते हैं इस चित्र में आपको सुनाएं। ये चित्र है स्वर्ग का। ये स्वर्ग कहाँ रहता है? ऊपर। स्वर्ग में क्या रहता है? शांति सुख और देवी देवता। आज शांति नहीं, सुख नहीं और देवी देवता नहीं। आज के इंसान को बोलते हैं रोज 1 घंटा सेंटर पे आओ, ज्ञान सुनो, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो क्या बोलते हैं लोग? टाइम नहीं है। कोई लोग तो संसार में इतने व्यस्त हो गए हैं, बोलते हैं हमको मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। अब जिसको मरने के लिए टाइम नहीं है वो रोज 1 घंटा ज्ञान नहीं सुन सकते हैं। इसलिए सीधा बोलते हैं मरने बिगड़ स्वर्ग नहीं दिखता है। तो हमारे घर का कोई चला जाता है बोलते स्वर्गवासी हुआ, मतलब फाइनली पहले नर्कवासी था। तो हमको खुश होना चाहिए हमारे घर का एक व्यक्ति स्वर्ग में गया, तो हम खुश नहीं होते, रोते हैं, मतलब फाइनल है ऊपर स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नर्क इधर ही है। जब इंसान में इंसानियत होती है धरती स्वर्ग, इंसान इंसानियत छोड़ के चलता है धरती नर्क। अब नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान को धरती पे आना पड़ता है। भगवान तब आते हैं जब घर घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान तैयार होता है, भाईचारा खत्म होता है, माँ को माँ नहीं बोलते, बाप को बाप नहीं बोलते। ऐसे समय पे भगवान आते हैं। भगवान आके दो काम करते हैं, एक मनुष्यों को मूल्यों की शिक्षा देते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, और दूसरा काम करते हैं सभी धर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना, उसको बोलते हैं आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म, वो रहता है स्वर्ग में। अब मरने के बाद स्वर्ग में जाना है, इस बात को हम नहीं मानते हैं, साइंस की दुनिया में है। अब मरने की बात वाली बातों को कौन जानेगा? इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने के बाद जुड़ने के बाद मरने के पहले हर इंसान को 2 फायदा होता है। पहला फायदा ये सब देख करके सुन करके इंटरेस्ट पैदा होता है। जिसको इंटरेस्ट है उसके पास टाइम बहुत है, चाह होती है तो राह होती है। यहाँ से घर जाने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ 7 दिन का कोर्स करेंगे, रोज 1 घंटा ज्ञान सुनेंगे, तो सोच चेंज कर्म अच्छे, अपन इस नर्क भरी दुनिया में रहते हुए स्वर्ग की अनुभूति कर सकते, पहला फायदा। दूसरा फायदा भगवान को मिल सकते, गारंटी है, यूनिवर्सिटी है, या कोई प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं है। इसलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर ने स्थापन किया, विश्व में चलता है एक विद्यालय है, विद्यालय में पढ़ाई होती है, अंधश्रद्धा नहीं, इसलिए यहाँ ज्ञान दिया जाता है। यहाँ की डिग्री है नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण हो, नारी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बने, मनुष्य से देवता, किए करतन लागे वार, कर्म किए बिना इंसान मान्य बनता है। इसलिए कर्मों का ज्ञान है, धर्मों का नहीं, सर्व धर्म समभाव, जीवन जीने की कला सबको मिलती है। अब भगवान को 100% मिल सकते हैं, इसकी 4 विशेषता है। पहली विशेषता निर्माता पॉइंट ऑफ लाइट, सबका मालिक एक। दूसरी विशेषता इसको क्या करना है और मेरे साथ क्या जाएगा, इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर ने स्थापन करके विश्व में चलता है। अब 1 मिनट में बताता हूँ भगवान को मिलने की विधि। मैं 1992 में भगवान को मिला था पहली बार। मेरे शरीर का नाम दत्तात्रेय, आई नांदेड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र।
नांदेड़ के बाजू में एक छोटा गांव है, स्कूल में जाता था दसवीं। पढ़ते समय एक वकील गांव में आया था, वायर। उसने सुनाया एक साल में भगवान मिलता है। आज के दुनिया में अपन देखते हैं जितने मुंह उतने भगवान। कंफ्यूज हो गया इंसान, उनके पास गए पढ़े लिखे लोग है, 7 दिन का कोर्स किया, बहुत सारा ज्ञान सुना, बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा ज्ञान हुआ, ऐसे अंदर से लगा भगवान मिलेगा। लेकिन भगवान मिलने के बाद हम लोगों को बताएंगे, पहले नहीं। 92 में दसवीं के एग्जाम देके आबू आके भगवान को 4 घंटा तक देखा, सुना, निश्चय हुआ, मन में बहुत प्रश्न थे, खत्म हो गए, फिर घर गया। दसवीं का 2 TC निकाला, 11-12 किया, टेक्निकल किया, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आया, बजाज कंपनी से कॉल आया, 94 में समर्पित हो गया। 96 में पिताजी गाँव में थे पाटिल, लोग पूछते थे बेटा गया कहाँ, पिताजी बोलते थे उसका स्क्रू लूज हो गया, आबू गया संन्यास दिया। 96 में पिताजी को लेके पूरी कमेटी माउंट आबू आई, ज्ञान सरोवर में 4 दिन रहे, 3 दिन सुने, 1 दिन देखे, धरती पे स्वर्ग की अनुभूति हो गई। कहते हैं जीवित रहते हुए किसी को स्वर्ग देख रहा हो तो माउंट आबू ज्ञान सरोवर। प्रतिज्ञा लेके गए, आज से आगे हम गलत करेंगे नहीं, इसको करने भी नहीं देंगे, पावर हाथ में। पिताजी ओम शांति में आए, टीचर ओम शांति में, प्रिंसिपल बहुत शरबत पीते थे, सब ने छोड़ दिया, घर में सेंटर खोल दिया, घर का सेंटर मम्मी चलाती है, परिवार के 6 सदस्य ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित हो गए। 95 से पहले दादी प्रकाश मणि जी चीफ थे, उनके पास भोजन बनाता हूँ। अब भोजन बनाना मुझे नहीं आता, गांव में पुरुष प्रधान लोग भोजन नहीं बनाते हैं, या भोजन बनाओ या टाई बांध के भाषण करो, पगार नहीं है। इसलिए यहाँ का स्लोगन है बिन पगारी कुलाधिकारी सफेद कपड़े जेब खाली, ये है विश्व के माने। एक को भी पगार नहीं है, फ्री सेवा। 2 साल सेवा किया, भोजन बनाना सीख लिया, हजम मिला, दादी प्रकाश मणि जी के साथ भारत भ्रमण कर लिया, बाहर यात्राएं कर ली, आज भी वही सेवा करता हूँ, भोजन बनाता हूँ। फ्री टाइम में जो लोग आते हैं उसको रोज गाइड करता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा माइक है, 400-500 लोग साथ में चलते हैं, 3 टाइम म्यूजिक चलता है, तो हर 15 दिन में 25,000 लोग चेंज होते हैं। कोई लोग बड़े नेता होते हैं ऐसे खड़ा होकर सुनते नहीं है, उसके कमरे में जाता हूँ रात को 10 से 12, होम डिलीवरी, घरपोत सेवा, कोई भी प्रश्न के उत्तर। गांव को स्वर्ग ओलो बनाते हैं, बोनस दुआ अपने को मिलती है, दुआ दवा का काम करती है, साल में एक बार घर जाता हूँ, 1 मास की छुट्टी मिलती है, अलग स्टेट में जाकर के 100 क्लासेस कर लेता हूँ, स्कूल कॉलेज गांव जेल केंद्र कोटा पुलिस स्टेशन रेलवे ब्रह्मा कुमारी, 2-4 दिन गाँव में रहता हूँ, बहुत लोग आते मिलने। पहले आते थे रोज मरो मारो के नारे लगाते थे, आज मास्टर भगवान भाषण चलते, पहले चटके बाद में रोटी, कर भला तो होगा भला, ये जीवन जीने की सच्ची कला। आए हैं अच्छी जगह पे और अच्छे समय पे, ना मंदिर ना मस्जिद ना गुरुद्वारा ना चर्च ना पिकनिक पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। जीवन को जीने की कला थी, सोच के सोचो साथ क्या चलेगा और हम कब चलेंगे, पता ही नहीं। रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे ये भी गारंटी नहीं है, फिर भी लोग बोलते हैं रोज रोज सेंटर पे जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं। यहाँ से घर जाने के बाद अगर कोई ऐसा बोल दे कि हम रोज 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते, तो भगवान उनका भाग्य लिखेगा, तो वो बोलेंगे आपका भाग्य लिखने के लिए अब मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, उस समय बहुत पश्चाताप होगा, ये समय न आए इसके लिए भगवान की कृपा से हमारे कुछ पुण्य से हम यहाँ आए। जिसका भाग्य पुण्य कम पड़ता है वो आते आते भी कैंसर हो जाते हैं, गॉड लक है जो गॉड के घर में आए। ब्रह्मा कुमारी बहने 3-3 महीना पहले अपार्टमेंट लेते हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और जो समय पे नहीं आता है उसको और किसी को लेके आते हैं, इसलिए गॉड लक है जो गॉड के घर में आए। अपने बच्चों को खास मेडिटेशन सिखाना, एकाग्रता बढ़ेगी, मृत में आएंगे संस्कार अच्छे होंगे, अच्छे संसार की निर्मित होगी, इसलिए इस केंद्र को बोलते हैं संस्कार परिवर्तन केंद्र। और अपने परिवार वालों के लोगों को कैसे भी करके आश्रम के थ्रू भेज देना, देख करके सुन करके उनका परिवर्तन होगा और सबके सहयोग से फिर से सुखमय संसार होगा, एक दूसरे के सहयोग से ऐसी दुनिया आएगी। ओके ओम शांति। अभी किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। क्या सबके नाम बदल दिए जाते हैं क्या? सांसारिक नाम सभी बदल नहीं जाते किसी हैं? का भी नाम बदली नहीं किया जाता है। अच्छा। नाम वही रहता है जो पहले था। अच्छा। मेरा शरीर का नाम दत्तात्रेय है, पहले भी दत्तात्रेय था, यहाँ भी दत्तात्रेय, नहीं बदली करना चाहते। बाबा ब्रह्मा थे तब देवी शक्ति के द्वारा उनको कुछ के नाम बदली किए थे, लेकिन फिर जैसे नाम जैसे वो रहते नहीं है, इसलिए नाम बदली नहीं करते, जो है वही रखते हैं, क्योंकि संस्था का लक्ष्य है मनुष्य से देवी देवता बनने की शिक्षा हमें लेनी है। नाम बदलने से कुछ नहीं है, काम बदलना पड़ता है, क्योंकि यह कर्मों का ज्ञान है, धर्मों का नहीं, इसलिए यहाँ का लक्ष्य वही है ना, नर ऐसी कर्मी करे जो नर से नारायण, नारी ऐसी कर्मी करे जो नारी से लक्ष्मी बने। इसलिए आप पूजा पाठ माला गंध अभिषेक ये कुछ भी नहीं, उपवास तपास कुछ नहीं, हमको ऐसे बनना हो। टीचर के हाथ पैर जोड़ने से हमको डिग्री नहीं मिलेगी,
उन्हें जो पढ़ाया है वो पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, फिर हम डिग्री हासिल करते हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, या बोर्ड तो है नहीं कौन पढ़ा है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान है, नॉलेज है, 4 साल 6 साल पढ़ाई किया है, डिग्री लिया है, तब हम डॉक्टर इंजीनियर वकील आईटी पत्रकार माने जाते हैं, जाने जाते हैं। ऐसे ऐसे देवी देवता बनना हो तो भी ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम पावर ही हमें दे सकती है, और वही खुद आकर के खुदा अपना परिचय दे रहा है 1936 से। सीढ़ी बना जो शांति वाले बहने हैं उनको भी वहां पे प्रेयर की ड्यूटी है, यहाँ पर जब चाहिए जितनी चाहिए उसी समय बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते हैं। राइट साइड में सभी वीआईपी डाइनिंग है, यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, यहाँ है अपना यहाँ पे आपको जानकारी देते हैं ऑफिस में। थके तो नहीं ना? नहीं। ये आप इसका फोटो ऊपर एक मंजिल और है, ये पूरा लोहे का है, ये पिलर और ये छत, ये गर्म बहुत होता है इसलिए एयर कंडीशन बनाया, पूरे किचन में जहां भी हम जाते हैं पूरी हवा ठंडी ठंडी आती है, अभी भी हम चक्कर लगा रहे थे वहां भी ठंडी हवा आ रही थी, तो एयर कूलिंग का ऑफिस ये या एयर कूलिंग का सिस्टम यहाँ से चलता है, ये उसका ऑफिस है एयर कूलिंग का। और ओम शांति वाले भाई बहने बाहर का भोजन नहीं करते हैं, खान पान की बहुत शुद्धि रखते हैं, इसलिए मसाले भी नहीं खाते बाहर के, ये मसाले पीसने की सब मशीनें, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, ये सब मशीनों के अंदर, ये रूम के अंदर मशीनें हैं जिसमें मसाले पीसे जाते हैं। और इसके बाजू में यहाँ से वहां तक बेकरी विभाग है, ब्रेड और बिस्किट बनता है, संस्था के लिए बाहर का नहीं खाते इसलिए, इसके नीचे आइसक्रीम बनता है। लिफ्ट के बाजू में मिनरल वाटर का प्लांट है, पानी पीने के लिए मिनरल बनता है, यहाँ बड़ा प्लांट मेन प्लांट है मिनरल वाटर का इस कॉम्प्लेक्स के लिए, बाकी ऐसे 35 प्लांट है छोटे छोटे जो मिनरल वाटर बनाते हैं। अब मिनरल वाटर बनने के बाद में उसका पानी बहुत वेस्ट जाता है, वो एक पानी वेस्ट जाता है और कपड़े धोने का नहाने का वो भी पानी वेस्ट जाता है, तो वेस्ट पानी को भी यहाँ रिसाइकलिंग कराते हैं, वेस्ट बनाते हैं। ये ऊपर पहाड़ों पे ओम शांति लिखा हुआ है, ऊपर नीचे ग्राउंड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, पानी शुद्धिकरण यंत्र, पानी शुद्ध करके गार्डन को और कंस्ट्रक्शन को फिर से यूज करते हैं, क्योंकि राजस्थान है ऊंटों का देश है, पानी की बहुत कमी है, इसलिए वेस्ट पानी को वेस्ट पानी बनाते हैं और मनुष्य आत्माओं को देवी देवता बनने का ज्ञान देते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी की जानकारी आपको 2 मिनट देंगे, 16 का वीडियो भी बन जाएगा आपका। करो स्टार्ट। बताओ सर। ओम शांति। ये जो सोलर है ये आज से 25 साल पहले बना हुआ भारत का पहला सोलर है। ये जो गोल गोल छतरी दिख रही है आप सभी को, ये 100 छतरी है, 100। हर छतरी के सामने एक रिसीवर है, सूर्य की किरण को इकट्ठा करता है, इतना गर्म होता है उसको लकड़ी लगाओ आग लग जाती है। उसके ऊपर एक बड़ा पाइप है, उस पाइप में आधा पानी रहता है, आधा पानी का उसके गर्मी के कारण स्टीम। हितों के देश में एक बात कही गई है, अयम निजा प्रोवेद गणना लब्धित सां उदार करता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो वह संस्कृत का श्लोक शांति वन में सिद्ध हो रहा है, हुआ है। एक बात और है, एक संस्कृत श्लोक और है, मातृवत प्रदारेशु परदेवेशु दुष्टवत आत्मन आत्मवत पर प्रदेशु यह पश्यति सह पंडिता। जो सबको अपनी बहन के रूप में देखता है, मातृ वह पंडित है, वह यहाँ सार्थक होगा। अर्थात तीसरा भाग प्रोफेसर संजय द्विवेदी साहब का, कल कार्यक्रम के पश्चात इत्तेफाक से इनके जूते इधर उधर हो गए, तो साहब मैंने देखा कि वो नंगे पैर ही पैर भर की तरफ जा रहे थे। दिल्ली में आपसे मिलना बड़ा कठिन है, बॉडी गार्ड खड़े रहते हैं दरवाजे पर, हटो हटो टाइम लेके जाना पड़ता है, लेकिन इतना सा विनम्रता इतनी वार्ता दिन रह गया, शायद शांति वन का प्रभाव है। बहुत धन्यवाद।